नित्य नवाचारों और सामाजिक कार्यों को लेकर प्रसिद्ध क्षेत्रीय सुगनर विधायक जसपाल सिंह जज्जी की दरियादिली का एक उदाहरण और देखने को मिला है। नगरपालिका क्षेत्र सुगनर के वार्ड क्रमांक 7 शंकर कॉलोनी में निवास कर रहे बुजुर्ग दंपत्ति का मकान पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि होने से क्षतिग्रस्त हो गया था। मकान में निवासरत ओमकार अहरबार और उसकी पत्नी रामबाई अहरबार के बारे में सूचना मिलने पर विधायक जसपाल सिंह जज्जी ने पहुंचकर उनका हाल जाना और क्योंकि उस मकान पर दंपत्ति का मालिकाना हक न हो पाने के कारण उन्हें प्रशासन से कोई मदद उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। विधायक द्वारा दंपत्ति को 5,000 रुपये की सहायता राशि स्वयं की तरफ से दी गई है और आगे हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया है। गौरतलब है कि अतिवृष्टि से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इन्हीं में रामबाई अहरबार उम्र 52 वर्ष और उनके पति ओमकार अहरबार उम्र 56 वर्ष का कच्चा मकान हुई बारिश में गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया था, क्योंकि मकान सिर्फ नोटरी का था जिससे प्रशासनिक मदद संभव नहीं हो पाई थी। उसी टूटे फूटे मकान में गुजर बसर करने को मजबूर वृद्ध दंपत्ति ने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन नियमों के अंतर्गत न आने के कारण प्रशासनिक मदद से वंचित रह गए। विधायक श्री जज्जी द्वारा दंपति का हालचाल जानने के बाद उन्हें तात्कालिक मदद के रूप में 5,000 नगद दिए गए। इसके बाद विधायक द्वारा बाड में हो रही निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया गया और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच की गई। विधायक द्वारा बाड़ वासियों से मिलकर सड़कों आदि की दुर्दशा पर बात की और भविष्य में जर्जर सड़कों और कच्चे रास्तों के निर्माण की आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही नवनिर्मित सड़कों के रखरखाव को लेकर भी वहाँ के निवासियों को कहा कि स्थानीय बाड़वासियों ने नाले के निर्माण को लेकर भी विधायक से गुहार लगाई और जलभराव की स्थिति को बताया। विधायक ने उन जगहों पर ऊपर जाकर देखा जहाँ जलभराव के चलते मच्छर पनपते हैं और मौके पर उपस्थित इंजीनियर को गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण तथा शीघ्र ही नाले के निर्माण को लेकर निर्देशित किया। जैसे कि शंकर कॉलोनी के निवासियों को गंदे पानी के भराव और कीचड़ की संबंधी समस्या से निजात मिल सके।